मिलिट्री स्ट्रैटेजी इंडिया। जहां एक तरफ चाइना में चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने आजादी के बाद सबसे ज्यादा ध्यान अपनी मिलिट्री को मजबूत करने पर दिया, तो वहीं दूसरी तरफ इंडिया के लीडर्स के लिए सन 1947 में आजादी हासिल करने के बाद अटैक या फोर्स का इस्तेमाल करना एक दूर के सपने की तरह था। इंडिया की पॉलिटिकल प्रोसेस पर मिलिट्री का बहुत कम असर देखने को मिला, क्योंकि इंडिया आजादी के बाद नॉन वायलेंस की नीति अपनाने की कोशिश कर रहा था। इंडिया की आजादी का स्ट्रगल भी काफी हद तक बिना वायलेंस के ही पूरा हुआ था। चाइना की तरह इंडिया में एंटी इंपीरियलिज्म और एंटी कॉलोनियलिज्म आइडिया मौजूद थे, लेकिन इंडिया इन दोनों ही आइडियाज की ओर नॉन वायलेंस के जरिए आगे बढ़ रहा था। सन 1947 में जब इंडिया को आजादी मिली, तो उस दौरान जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी देश के सबसे इंपॉर्टेंट लीडर्स में गिने जाते थे, और ये दोनों ही लीडर्स नॉन वायलेंस की पॉलिसी के लिए मशहूर थे। इसी वजह से आजाद होने के बाद इंडिया की पॉलिसीज में आर्मी या मिलिट्री को बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल नहीं दिया गया। लेकिन इंडिया की नॉन वायलेंस पॉलिसी को सन 1962 में उस वक्त एक बहुत बड़ा झटका लगा जब देश को चाइना के खिलाफ जंग लड़नी पड़ी। इस जंग के दौरान इंडियन आर्मी पूरी तरीके से तैयार नहीं थी, जबकि उनके सामने मुकाबले के लिए मौजूद चाइना की पीपल्स लिबरेशन आर्मी काफी समय से युद्ध के लिए खुद को तैयार कर रही थी। इसके साथ साथ इंडियन आर्मी के पास रिसोर्सेज भी पर्याप्त मात्रा में मौजूद नहीं थे, जिस वजह से पीपल्स लिबरेशन आर्मी सन 1962 के युद्ध के दौरान भारत की सेना पर भारी पड़ती देखी गई थी। चाइना से जंग के बाद इंडिया ने मिलिट्री को लेकर अपनी सोच में बदलाव करने शुरू किए। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने भी इस बात को स्वीकार किया कि अब उन्हें देश की आर्मी को मजबूत करने के लिए ज्यादा ध्यान देने की जरूरत है। अपनी आर्मी को मजबूत करने के लिए पंडित जवाहरलाल नेहरू देश में ही हथियारों की मैन्युफैक्चरिंग करने की कोशिश कर रहे थे, जिससे उन्हें हथियार के लिए विदेश पर निर्भर न रहना पड़े। कई स्कॉलर्स का मानना है कि सन 1962 में चाइना के साथ हुए वॉर यानी कि युद्ध ने उसे नींद से जगाने का काम किया था। उस वक्त इंडिया ने अपनी मिलिट्री के कमजोर होने की सच्चाई को स्वीकार किया, और उसे ये भी मालूम हुआ कि नॉन वायलेंस की नीति पर चलते हुए उसे अपनी जमीनों की सुरक्षा करना मुश्किल हो जाएगा। सन 1962 की लड़ाई के बाद इंडिया की मिलिट्री की मॉडर्नाइजेशन का प्रोसेस शुरू हुआ, जो बेहद तेजी से आगे बढ़ने लगा। नेहरू जी की मौत के बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी ने इंडिया के मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन प्रोसेस को आगे बढ़ाने का काम किया। उन्होंने इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन के दौरान इस बात पर खास ध्यान दिया कि इंडिया मिलिट्री टेक्नोलॉजी को हासिल करने के लिए विदेशी ताकतों पर ज्यादा डिपेंडेंट ना रहे। उनका मानना था कि अगर इंडिया विदेशियों की मदद से अपनी आर्मी को मॉडर्नाइज कर भी लेता है, तो उसके बावजूद वो विदेशी ताकतों पर ही निर्भर रहेगा। इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इंडिया के अंदर मिलिट्री रिसर्च शुरू हुई, जिसका नतीजा ये रहा कि इंडिया ने देश में ही कई तरीके के मिलिट्री रिसोर्सेज डेवलप करने और उन्हें शुरू करने में बड़ी कामयाबी हासिल की। इंदिरा गांधी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी में हार्ड पावर का आइडिया लेकर आईं और इंडिया के मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन में काफी अहम योगदान दिया। भले ही आजादी के बाद शुरुआत में पंडित जवाहरलाल नेहरू और दूसरे कुछ लीडर्स ने आर्मी को बहुत ज्यादा अहमियत नहीं दी थी, लेकिन इंडिया में आर्मी की इंपॉर्टेंस खुद ब खुद बढ़ती जा रही थी, क्योंकि आजाद होने के एक साल के अंदर ही इंडिया को जम्मू कश्मीर इलाके में लड़ाई करनी पड़ी। इसके बाद पाकिस्तान से सन 1965 और सन 1999 में भी जंग हुई, जिसमें इंडियन आर्मी ने बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पाकिस्तानी सेनाओं को जबरदस्त धूल चटाई थी। सन 1971 में इंदिरा गांधी की लीडरशिप में इंडियन आर्मी ने ईस्ट पाकिस्तान को आजाद कराने में भी अहम किरदार अदा किया था। इंडियन आर्मी ने बाहर के दुश्मनों के अलावा आजादी के बाद जूनागढ़, हैदराबाद और गोवा जैसे स्टेट्स को भी इंडियन यूनियन में मिलाने में मदद की। साथ ही साथ
इंडियन आर्मी यूनाइटेड नेशंस की तरफ से पीस कीपिंग मिशन भी शुरुआत से ही चलाती आ रही है। सन 1950 में नेपाल, सन 1987 लेकर सन 1990 तक श्रीलंका और सन 1988 में मालदीव्स को इंडियन आर्मी ने मिलिट्री मदद उपलब्ध कराई थी। चाइना की तरह पिछले कुछ सालों में नई दिल्ली ने भी अपनी सिक्योरिटी प्लान्स को बड़ा किया है, जिससे व्यापार और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े हुए फील्ड को भी कवर किया जा सके। इसी तरीके से इंडियन आर्मी खुद को नॉन ट्रेडिशनल खतरों से निपटने के लिए तैयार कर रही है, जिनमें आतंकवाद, पायरेसी, स्मगलिंग, माइग्रेशन और एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। चाइना की तरह पिछले कुछ सालों में इंडिया ने भी अपने सिक्योरिटी प्लान्स को बड़ा किया है, जिससे व्यापार और एनर्जी सिक्योरिटी से जुड़े हुए फील्ड को भी कवर किया जा सके। इसी तरीके से इंडियन आर्मी खुद को नॉन ट्रेडिशनल खतरों से निपटने के लिए तैयार कर रही है, जिनमें आतंकवाद, पायरेसी, स्मगलिंग, माइग्रेशन और एनवायरनमेंट से जुड़े मुद्दे शामिल हैं। पिछले कुछ सालों में इंडिया ने अपने डिफेंस पर बजट का एक बड़ा हिस्सा खर्च किया है। इंडिया ने डिफेंस पर अपने खर्चे सन 1997 के मुकाबले आज दोगुने कर दिए हैं। सन 1997 से लेकर अब तक हर साल डिफेंस बजट पर एक एवरेज माने तो 6.3% की बढ़ोतरी देखने को मिलती है। सन 1988 में इंडिया का ओवरऑल मिलिट्री बजट 18.2 बिलियन डॉलर था, जो कि सन 2000 में बढ़कर 27.6 बिलियन डॉलर पहुंच गया। इसके बाद सन 2015 में भारत का मिलिट्री बजट एक लंबी छलांग लगाकर 51.3 मिलियन डॉलर का आंकड़ा छू चुका है। अगर ये देखा जाए कि इंडिया फिलहाल जीडीपी का कितना प्रतिशत हिस्सा मिलिट्री बजट पर खर्च कर रहा है, तो हम देखेंगे कि सन 1988 से आगे बढ़ते हुए इंडिया ने अपने खर्चों पर काबू किया है। सन 1988 में इंडिया अपनी जीडीपी का 16% हिस्सा डिफेंस बजट पर खर्च कर रहा था, वहीं सन 2000 में यह आंकड़ा 12% रह गया और सन 2015 में यह आंकड़ा और भी ज्यादा घटकर 8.7% पर आ चुका था। अब बात चाइना और इंडिया की करें तो चाइना के मुकाबले इंडिया अपनी जीडीपी का ज्यादा हिस्सा डिफेंस पर खर्च करता है, लेकिन चाइना की जीडीपी का आंकड़ा ज्यादा बड़ा होने की वजह से उसका खर्च ज्यादा नजर आता है। हम देख सकते हैं कि इंडिया किस तरीके से शुरुआत में एक ऐसा देश है जो अपनी मिलिट्री पर ज्यादा ध्यान नहीं दे रहा था, लेकिन जल्द ही उसे एहसास हुआ कि अगर उसे दुनिया में एक अहम पोजीशन हासिल करनी है और इंटरनेशनल लेवल पर अपनी पोजीशन पर दोबारा पहुंचना है, तो उसे एक मजबूत मिलिट्री तैयार करनी होगी।